मैं आज का हमारा विषय है आक्रमकता के सिद्धांत थ्योरी जो अग्रेशन है। ये बहुत ही आसान सा है और इसकी जो थ्योरी है आप पहले पढ़ रखी है। शुरू करते हैं, तीन थ्योरी है हमारी मुख्य रूप से। कौन कौन सी है? मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, दूसरा बताओ उठा आक्रमकता परिकल्पना, तीसरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अब उन तीनों को एक एक करके हम पढ़ेंगे। नाउ लेट अस सी मूल प्रवृत्ति सिद्धांत क्या है। बेसिक इंस्टिंक्ट थ्योरी, इसको हम कहते हैं बेसिक इंस्टिंक्ट थ्योरी। ये जो सिद्धांत है ये प्रतिपादित किया था किसने? सिगमंड फ्रायड ने। किसने किया था? सिगमंड फ्रायड ने। 1927 में उन्होंने बताया कि व्यक्ति के अंदर, इंसानों के अंदर दो मुख्य प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, इरोस एंड थैंटोस। इरोस जो होते हैं ईआरओएस और दूसरा है थैंटोस, थीएचएनटीओएस यानी थैंटोस। ये दो प्रवृत्तियां होती हैं। इरोस को हम कहते हैं जीवन प्रवृत्ति और थैंटोस को कहते हैं हम मृत्यु प्रवृत्ति। उन्होंने बताया था, तो ये सिगमंड फ्रायड ने बताया कि ये दो प्रवृत्तियां दो होती हैं। ये बात इन दोनों प्रवृत्तियों के अंतक्रिया से व्यक्ति के अंदर एक भावनात्मक स्थिति का जन्म होता है जिसे हम आक्रमकता कहते हैं। आप समझिए, अब आप देखेंगे कि आपको एग्जांपल ले लीजिए, आप बाइक या साइकिल आप चला रहे हैं आगे की तरफ और एक एक आपका दोस्त पीछे खींच रहा है, कैसी स्थिति होगी? देयर इज अ टेंशन, एक तरह से स्ट्रेस हो जाएगा बीच में, वो खींच रहा है। आप रस्ता का एग्जांपल ले लो, कुछ लोग एक रस्ते के तरफ लगे कुछ एक तरफ खींच रहे, दोनों रस्ता कैसा हो जाएगा? बिल्कुल ढीला पड़ जाएगा। कैसा हो जाएगा? टाइट। देयर इज अ टेंशन इन द रोप, रोप पर टेंशन हो जाएगी। और वो जो टेंशन है, वो जो स्ट्रेस जो हमें दिख रही है, इसी प्रकार से इन दोनों लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट के बीच में जब अंतक्रिया होती है तो एक तरह से जो भावनात्मक स्थिति उत्पन्न होती है उसे ही सिगमंड फ्रायड ने आक्रमकता का नाम दिया। समझ आ गया आपको? ये एक छोटी सी सिद्धांत, इतनी सी बात, बाकी इसको एक्सप्लेन किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार आक्रमकता मुख्य रूप से आत्मविनाश का एक वृत्ति, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, आप पढ़ रहे इसको। ये बताना चाहता है कि जो ये थैंटोस है, जो ये वृत्ति है, जो ये इंस्टिंक्ट है, दिस इंस्टिंक्ट यानी कि जो ये वृत्ति व्यक्ति की स्वयं को भी विनाश की ओर ले जाती है, स्वयं का विनाश करती है। अब उसके अंदर टेंडेंसी होती है इस वृत्ति के अंदर कि स्वयं का डिस्ट्रक्ट करना, विनाश करना। अब स्वयं का विनाश को नहीं करना चाहिए, है कोई इंटरेस्टेड? कोई नहीं है ना। तो इस फिर क्या करते हैं? वो कहते हैं कि जब व्यक्ति के अंदर स्वयं में विनाश करने की प्रवृत्ति होती है तो उस प्रवृत्ति की ऊर्जा को दूसरों की तरफ व्यक्ति डायरेक्ट कर देता है। ठीक, मान लिया जाए मधुमक्खियां या आपके ऊपर, आप कह दो मैं नहीं, उसने खाया से अनुमति बाद हमारे समझते तो थोड़ा छूट जाएगा, डायरेक्ट करना, निर्देशित करना, तो दूसरों की तरफ व्यक्ति डायरेक्ट कर देता है। और वो डायरेक्ट करने का जो तरीका है वो क्या कहलाता है? अग्रेशन कहलाता है। आप समझ गए इसमें यही बात है। ठीक, नेक्स्ट आओ देखेंगे। थैंटोस जो है, जो ये एनर्जी ये वृत्ति होती है, इट इज अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित होती है। जैसे भीड़ के अंदर आप पागल सांड को छोड़ दो, अनकंट्रोल रहता होता ना जी, इसी तरह से थैंटोस अनियंत्रित होती है तो आप विनाश की ओर रुख रहती है। अगर आप पांडे को विस्थापन के माध्यम से इसी ऊर्जा को दूसरे के प्रति आक्रमकता के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, या फिर विस्थापन कर समझते हो क्या? डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल, एक बॉस ने एक अपने एम्प्लॉय को डांट दिया, एम्प्लॉय ने क्या किया? घर जाके अपने वाइफ को डांट दिया, बिल्कुल काम की कमी होती, कुछ नहीं करती। वाइफ ने क्या किया? लड़के को थप्पड़ चढ़ दिया। किसको? लड़के को थप्पड़ चढ़ दिया। लड़के ने क्या किया? पत्थर उठा के कुत्ते को पैर दिया, और कुत्ते ने क्या किया? उस बॉस को जा काट लिया। पास में शाम को घूम रहा था वहां, जिस बॉस ने उस एम्प्लॉय को डांटा था। ये देखो डिस्प्लेसमेंट, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट एनर्जी ऊर्जा, ये है विस्थापन। ये एग्जांपल एक मैंने आपको दिया है, ऐसा होता है, ऐसा होने कभी वागनी
मैं आप जो है एनी क्वेश्चन थेंटोस थेंटोस की बात करना है कि जो कि विस्थापन के बाद जब इसकी ऊर्जा को दूसरों के प्रति आपने लौटा आपने डिस्प्लेसमेंट किया आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी आई थेंटोस के माध्यम से दूसरे मैंने आपको डांट दिया मूर्ख है तू गधा है बिल्कुल निपटता फिर मन जाएगा समझ गधा बोल दिया आप मारो उलाद जा देखो ठीक है आपने उस पत्थर को उसके ऊपर डिस्प्लेस कर दिया समझे आप तेज का डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन ठीक है अब आप देखेंगे हमारे साहित्य में ये बताया गया है कि किसी की आलोचना करना हमारी भाषा में उसको कहते हैं चुगली करना चुगली करना मजा आता ना आलोचना मतलब ऑलवेज बी पीपल टॉक अबाउट देखो ये ऐसा कच करने जरूरी हो गया बिल्कुल पीपल टॉक आप जैसे कभी चलो किसको आता होगा सभी को किसी की आलोचना करना या किसी पे कमेंट करना या टोंट मारना ये सारी चीजें भी आक्रमकता होती है क्या होती है आक्रमकता एक प्रकार के आक्रमकता नेगेटिव व्यवहार है नेगेटिव है ना लेकिन इसके दो चीजें भी जरूरी है इस मानव जाति को प्राणियों के संरक्षण के लिए इस पृथ्वी पर बचाए रखने के लिए और आगे उनको बढ़ाने के लिए उस प्रजनन के लिए भी आक्रमकता की आवश्यकता होती है समझे आप चीज को आप देखे और व्यक्ति को जो आक्रमकता क्या होती है विरासत में मिलती है एग्रेशन जो व्यक्ति को विरासत में मिलता है इसका मतलब दुनिया में हर जगह अग्रेशन पाया जाता है ठीक अब आप देखेंगे इसकी प्रवृत्ति कैसे होती है जैविक होती है बायोलॉजिकल होती है जब व्यक्ति के अंदर आक्रमकता उत्पन्न होती है अग्रेशन जन्म लेता है तो कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं दूसरा देखो बायोलॉजिकल चेंजेस के कारण भी व्यक्ति के अंदर आक्रमकता उत्पन्न हो सकती है तो और इसको किसी भी तरह से मानव व्यवहार से समाप्त नहीं किया जा सकता हाँ इसको कंट्रोल और नियंत्रित किया जा सकता है इसको चैनलाइज किया जा सकता है खेलों के माध्यम से हार्ड वर्क के माध्यम से इस आक्रमकता को कंट्रोल किया जा सकता है आप देखेंगे आप देखेंगे कि जो बच्चे गेम खेलते हैं रग्बी गेम है बास्केटबॉल है फुटबॉल है बॉक्सिंग है जूडो कराटे अलग अलग गेम्स है इसके माध्यम से इस एग्रेसिव बिहेवियर को पॉजिटिव एनर्जी में इसको चैनलाइज किया करो अब देखिए अगली जो हमारी परिकल्पना है या जो दूसरा सिद्धांत है हरी क्वेश्चन देखिए दो चीजें होती है एक तो जेनेटिक होती है हेरिडिटी एक हमें विरासत में मिलती है इसका सीधा सा एग्जांपल है आपके परिवार के पास 10 किलो जमीन है क्या वो जेनेटिक्स है वो विरासत में मिली है विरासत में क्यों मिलती है जो तीसरी जो थियरी है इसकी तीसरा सिद्धांत है उसमें एक्सप्लेन करेगा अच्छे से उसमें बिल्कुल तीसरा सिद्धांत है ना ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का अल्बर्ट बंडोरा का दिया हुआ है वो इसको एक्सप्लेन करेगा विरासत में मिलने समझ गया आप कोई और डाउट किसी को चलिए नेक्स्ट उनका आक्रमकता परिकल्पना यह है 1939 से इस परिकल्पना यानी इस सिद्धांत को इन तीन लोगों ने दिया था डोलर डूक मिलर बोर एंड सियर्स इन लोगों ने इस परिकल्पना की प्रतिपादन किया था और इसको उठा आक्रमकता सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है ठीक है नेक्स्ट देखिए इसमें दो घटक है क्या क्या है एक तो उठा और दूसरा आक्रमकता दूसरा क्या है आक्रमकता ठीक बाद में व्यवहार का यह एक नेगेटिव पहलू होता है क्या उल्टा जो है व्यवहार का व्यक्ति के व्यवहार का एक नेगेटिव पहलू होता है यानी उल्टा से नेगेटिव बिहेवियर उत्पन्न होता है आप देखेंगे इसमें और ये एक तरह की संवेगात्मक एक इमोशनल स्थिति होती है इमोशनल स्टेट होती है अब क्यों होती है अब आप देखें ये किसी व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु द्वारा के माध्यम से भी इसको लोग अग्रेशन किसी वस्तु के प्रति भी लोग अग्रेशन दिखाते हैं ये दिखाते हैं आप कोई बात कर रहे हैं आप किसी बात टीचर ने किसी ने कुछ कह दिया आपका हाथ में पेंसिल है पट से पर उठ ये अग्रेशन होता है अभी तो आप कह रहे हो सर अभी मैं आपको बात कर रही हूँ कोई ऐसी कि आप बहुत ही चुप जाए चलो आप मेरे साथ फ्रेंडली हो कोई और आपको लड़का है कुछ कह दे आप कुछ कर ना पाओ उसकी क्या रोल है
दांत पीस दो, है ना, वो क्या है, एक तरह से एग्रेसिव बिहेवियर है ना, ये समय का कुछ स्थिति होती है, यह किसी वस्तु और किसी व्यक्ति द्वारा आवश्यकता एनसीआरटी किताब में इसकी डेफिनेशन दी गई है, आकर वक्ता ये कुछ था कि किसी व्यक्ति द्वारा आवश्यकता उद्देश्यों को अभूत करने, वो एग्जाम्पल मैंने इस क्लास में दिया था, मान लिया जाए आप आराम से कॉलेज में तेजी से आ रहे हैं, लेट ना हो जाए और कोई टांग रख जाते हो, क्या होगा बताओ, क्या होगा, आप गिरते गिरते बच गए या गिर गए, फिर उस और वो टांग हटा के और भाग गया, फिर देखो आपके अंदर क्या होता है, वो कुंठा आपके जो लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे थे उसको उसने अवरुद्ध कर दिया, ठीक है, अगर मान लिया जाए वो उसको आप वही पकड़ लेते हो, दो दबा लेते हो, क्या होगा, आपके अंदर गिरने के या गिरने की स्थिति से जो कुंठा उत्पन्न हुई थी वो कम हो जाएगी, और लेकिन अगर आपको ना पकड़ा जाए तो सारा दिन आप मन में जलते भूलते रहोगे, छोड़ूंगी नहीं या छोड़ूंगा नहीं, मिल जाए एक बार, है ना, ये देखो किस तरह से प्रश्न ये आगे पॉइंट में आएगा, ठीक है, ये एनसीईआरटी होता है, चलो नेक्स्ट, अब देखिए इसको कुंठा कब उत्पन्न होती है, मैंने पहले बताया आपको, एक तो जो आप काम करना पसंद करते हैं उसको करने से रोक दिया जाए, जैसे आपको मोबाइल गेम खेलना पसंद है, आप खेल रहे हो, बार बार मम्मी कहती है कि बंद कर दे इसको, बंद कर दे, दो तीन बार हो गया आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, यानी जो काम आप पसंद करते हो उसको रोक दिया जाए, और या जो आपको पसंद नहीं है वो आपसे करवाया जाए, है ना, अभी एग्जाम्पल हम सुबह दे रहे थे कि सिर्फ एग्जाम्पल है, अभी आपने घटना पड़ी हुई गुरुग्राम में, एक जज की वाइफ को उसके लड़के को उसके महिपाल नाम के हेड कॉन्स्टेबल ने गोली मार दी, जो उनका गार्ड था, आज सुबह सुबह उसके बारे में पढ़ रहा था, तो उसने इंटरोगेशन में पुलिस ने उनसे पूछताछ की आपने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि ये लोग जो है देव राक्षस की तरह है, जज के परिवार राक्षस कैसे हो सकता है, उन्होंने पूछा उससे, स्टेटमेंट आई टाइम्स ऑफ इंडिया में आया बात हुआ ये, तो कह रहा कि भाई ये लोग मुझसे वो काम कराते थे जो करवाने नहीं चाहिए, उन्होंने कहा ऐसे कौन से काम है, उन्होंने कहा कि कुत्ते की जो पोटी वो मुझे साफ कर, बात में दम है, अब जब वो काम कराते थे दूसरे काम नहीं कराते हो, इससे वो व्यक्ति किस काम के लिए गया, वहां पर गार्ड के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए गया, आप उसे कपड़े धुलवाओगे, सब्जी लगवाओगे, अपने कुत्ते को नहलवाओगे, झाड़ू पोछा कराओगे, क्या होगा हेड कॉन्स्टेबल से, उसके अंदर क्या उत्पन्न होगी, कुंठा, और जब ये ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, ऊपर नाम साधु निकाले हो रही इस तरह धड़ाम धड़ाम दोनों, इट इज अ नो, आप जिस काम के लिए आप जा रहे हो आप सिक्योरिटी का काम होता सिक्योरिटी करा रहे हो, लेकिन हमारे देश में ये वीआईपी जो इनकी सिक्योरिटी के लिए जाता है जनता के खर्च पे जाता है, हमें तो टैक्स लोग भरते हैं, हम लोग टैक्स भरते हैं, आप लोग टैक्स भरते हो नहीं भरते, टैक्स जमा करते हो, टैक्स वैक्स देते हो कहीं, सारे लोग को सारे टैक्स देते हो, मोबाइल चार्ज कराते हो, पेट्रोल डीजल खरीदते हो, सब पे टैक्स लगता है, आपकी जेब से पैसा निकाल के इन वीआईपी की सुरक्षा की जाती है, और वीआईपी की सुरक्षा में जो हमारे जैसे लोग जाते हैं, आप जैसे लोग किसी परिवार का लोग किसी माँ का तो बेटा होगा भाई बाप भी, वो सुरक्षा हेड कॉन्स्टेबल पुलिस में भर्ती हुआ था कुत्ते की लैट्रिन साफ करने के लिए नहीं हुआ था, आज उसकी सुरक्षा गार्ड के लिए, तो जज ने समझ लिया उसके बाप उसके बेटे ने उसकी वाइफ ने कि तुम्हारा नौकर है, और कमाल की बात देखो कि गार्ड जो है वो जज का है, उसको बाजार में लेके किस लिए गए, क्या ये जज की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, लेकिन नहीं, हमारे देश में ये हो रहा है, जो वीआईपी है उन गार्ड को अपना नौकर समझ लेते हैं, नौकर से भी बदतर समझ लेते हैं, और उसका परिणाम आज सबके सामने, और अब ब्लेम करेंगे उस महिपाल को, कर दिया पुलिस डिपार्टमेंट ने उसको नौकरी से निकाल दिया, है ना, कि आपने जज की उसको, अरे उसकी स्थिति को देखो, आप उसकी सिचुएशन देखो, हेड कॉन्स्टेबल है और उसे काम करवा रहे हो, कुछ ना कुछ तो बात है, हमारे कंटेक्स्ट में उसका एग्जांपल बता रहा हूं, उस व्यक्ति इधर कुंठा उत्पन्न हो गई, क्योंकि वह ऐसा काम करने के लिए गया जो काम करना नहीं चाहता, जो उसके लेवल का नहीं था, उसने क्या किया, उस कुंठा को अग्रेसिव बिहेवियर में दिखाया, और बोली बात परिणाम आपके सामने सबके सामने, चलो नेक्स्ट, यह सिद्धांत बताता है कि कुंठा व्यक्ति में एक प्रकार की उत्तेजना उत्पन्न करती है, क्या करती है, अराउजल, अराउजल उत्पन्न होता है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति आक्रामक व्यवहार करता है, जो एग्जाम्पल आप देख रहे हो आपके सामने ही है, जो स्वयं और लक्ष्य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है, और यह हानिकारक दोनों तरह से हो सकता है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से,
आप जब भी कभी भी आपके अंदर कुंठा उत्पन्न होती है या फ्रस्ट्रेशन या अग्रेशन होता है आपके अंदर, तो सबसे पहला नुकसान हमें स्वयं झेलना होता है। एग्रेशन एक प्रकार से जलता हुआ कोयला है, जलता हुआ कोयला है और अपने हाथ में लिया हुआ है और आप कह रहे हो मेरा हाथ जल रहा है ना, जलता हुआ लाल कोयला है तो हाथ में पकड़ा हुआ है और उस तरह से आपने आप कह रहे हो मेरा हाथ जल रहा है तो छोड़ूंगा ना, है ना, समझ आप दीदी। सबसे पहला नुकसान एग्रेसिव बिहेवियर का या कुंठा का सबसे पहले व्यक्ति को जो करने वाला है उसको होता है, उसके बाद दूसरे को होता है, समझिए चीज को। अब देखिए आगे बढ़ता है कि व्यक्ति कैथारसिस की तरह होती है, कैथारसिस समझते क्या होता है, नहीं पढ़ा आपने, पढ़ा है आपने सीमन फ्रेंड को पढ़ा होगा, ईडी को सुप्रे को पढ़ा आपने, कॉन्शियसनेस सब कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियसनेस ये पढ़ी लीजिए, उसमें कैथारसिस बताते हैं कि किस प्रकार कैथारसिस क्या होता है, आपको दोबारा बता देता हूं। आपके मन में जो डिजायर्स जो इच्छाएं जो विचार जो रिप्रेस्ड है दबे हुए हैं उनको निकालना, कैसे निकालना, जैसे सीमन फ्रेंड जाते थे वो क्या करते थे, उनके बाद कनेक्ट हो जाते थे, परेशानी होती थी उनको।